की दर आज लॉकडाउन 1 में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार नियमों और शर्तों के साथ खुल गए। सरकार के फैसले का सभी धर्म गुरुओं के साथ साथ भक्तों ने भी स्वागत करते हुए खुशी जताई। आपको बताते चले कि देश भर के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी भगवान के दर को कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के तहत लॉक कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक 1 के जरिए अब चूंकि जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, इसी के तहत आज 8 जून से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क की अनिवार्यता के साथ धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। जैसे ही भगवान के दर पूजा के लिए खुले तो लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन किए जाने के लिए भी सभी ने कहा, जिससे कि कोरोना वायरस नामक महामारी को फैलने से रोका जा सके। चेयरमैन हूं मैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवी देवताओं का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर देवी देवताओं का यहां पर बहुत महत्व है। पूरे देश में, देश से यहां पर लोग, विदेशों से भी यहां पर लोग आते हैं और उनका पूरा यहां पर साया है। उसके अलावा पीर बलियों का भी यहां पर साया है, जैसे कि हमारे भुल्लन साहब बाबा हैं, रहमत साहब बाबा हैं और कलियर शरीफ भी हमारे उत्तराखंड में ही आता है, और इससे पूरे देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड में कोरोना का यहां पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं, लोग अपनी धार्मिक स्थलों से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, दुआएं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ मेरे हिसाब से कोरोना वायरस नहीं, अपनी यहाँ पर उसका प्रकोप नहीं होगा। अपनी कम्युनिटी से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अपनी गाइडलाइन में धार्मिक स्थल तो खोले हैं, तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि घर से वुजू कर निकले और सुन्नतें और नफिल अपने घर पर पढ़ें, मस्जिदों में ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि हमारे कुछ जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों ने भी ये बातें कही हैं कि उत्तराखंड में हमारे प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े मौलवी लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि मस्जिद के अंदर आप नफिल और सुन्नतें ना पढ़ें, वुजू घर बना कर जाएं। मस्जिद में ज़्यादा लोग भी मेरे हिसाब से इकट्ठा ना हो, जितना कम से कम हो लोग जाएं और कम समय वहां पर दें। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहले है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही धार्मिक स्थलों पर जाएं, और सबसे पहले अपनी जान है, और अपनी जान का ध्यान रखते हुए अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखते हुए धार्मिक स्थलों पर जाएं। महामारी है, कोरोना महामारी को देखते हुए आज लगभग 2 महीने बाद जो है मंदिर को खोला गया है, जिससे पहले जब मंदिर को खोलने से पहले पूरे मंदिर को सैनिटाइज वगैरह करा के, और उसके बाद मंदिर के द्वार में जो है 6-6 फीट की दूरी में हमने जो है गोले खींच के, और उसके बाद जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करेगा मास्क पहनकर वहाँ सैनिटाइज करा के तभी मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत पूजा अर्चना करेगा।